बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। अक्सर प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे महीने में वो गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण रुका हुआ गर्भ भी नुकसान से निकल जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक महीना होता है जिसमें देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार देखभाल होते हुए भी ऐसी चीज़ों का पता ना होना और गलती से उन सब चीज़ों को खा लेना या वो काम कर लेना जिससे कि गर्भ निकल जाता है, गिर जाता है। तो किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल नोटिस करना है। अक्सर घर के काम में महिलाएं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, बिज़ी हो जाती हैं कि वो घर के काम में उनको समझ में नहीं आता है कि ये घर के काम उनको नहीं करने। जैसे पहले दूसरे महीने में खास करके कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं धोना होता है, खासकर जब आप हाथ से कपड़ा धो रहे हो तो बड़े बड़े जैसे कंबल हो गए हैं, चादर हो गया, ऐसे बड़े बड़े कपड़े जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मतलब ये पीटना धोना पड़ता है, उससे क्या होता है कि जर्किंग पेट में महसूस होती है, और इस वजह से जो इम्प्लांटेशन बहुत नाजुक सा हुआ है, अभी बिल्कुल नाजुक सा बच्चा पल रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, निकल जाता है जो गर्भाशय की दीवार पे चिपका हुआ है। तो इसलिए कपड़ा धोना, पोछा लगाना, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करना ज़ोर ज़ोर से, ये कतई नहीं करना है, बिल्कुल मना होता है। दूसरी चीज़ें ये कि पहले दूसरे महीने में क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं तो महिलाएँ खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने लगती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा आम खा लेना, बहुत ज़्यादा अचार ले लेके खा लेना, इन सब चीज़ों की मनाही होती है, नहीं खाना होता है खट्टा बहुत ज़्यादा। हल्का फुल्का आप खा सकते हो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तब, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी होती हैं। ये कहीं ना कहीं ये बातें सच है, पहले के ज़माने में लोग बोला करते थे बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें पहले महीने दूसरे महीने में नहीं खानी होती है, ये गर्भ को नुकसान पहुंचा देता है। जितना ज़्यादा आप खट्टा खाओगे न्यूट्रिशन कम होता है बाकी सब चीज़ों का, आप खट्टा ही खाने लगते हो ज़्यादा, इस वजह से मना किया जाता है। अगर वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, शुरू हो चुकी है वॉमिटिंग, तो आपको क्या करना है, वॉमिटिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है, जूस ज़्यादा पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, दूध ज़्यादा पीना है, इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा लेना है। फिर तीसरे महीने से जब आपका डाइट सही होने लगेगा, टेस्ट चेंज होने लगेगा, तो अपने आप ये चीज़ें आप खाने लगोगे। उसके बाद ये है कि कटहल की सब्ज़ी हो गया, सहजन की सब्ज़ी हो गया, अंगूर बहुत ज़्यादा खाना हो गया, अनानास, कच्चा पपीता, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। 3 महीनों तक तो एकदम नहीं खाना है आपको कटहल की सब्ज़ी, वो इसलिए भी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं, बहुत ज़्यादा गैस बना देती है पेट में, इसलिए कटहल की सब्ज़ी, सहजन की सब्ज़ी, इन सब चीज़ों की मनाहट होती है। आप अनानास नहीं खा सकते हो ज़्यादा, पपीता नहीं खा सकते हो, ये चीज़ों बिल्कुल आपको ना कह देना है। पेन किलर लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।